हेलो फ्रेंड, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मॉस्फेट के बारे में कुछ जनरल इंट्रोडक्शन देखा था। हम लोगों ने मॉस्फेट का क्लासिफिकेशन भी देखा था। मॉस्फेट दो टाइप्स के होते हैं, डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट और एक इन्हेंसमेंट टाइप मॉस्फेट। डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट में जो चैनल होता है वो पहले से यानी उसका फॉर्मेशन पहले से हुआ रहता है, ठीक है। और इन्हेंसमेंट टाइप मॉस्फेट में चैनल बाद में इन्हेंस होता है, इसलिए उसको इन्हेंसमेंट टाइप मॉस्फेट बोलते हैं, ठीक है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में JFET से मॉस्फेट को कंपेयर किया था, ठीक है, कि बीच दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये भी चीज़ देखे थे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट, ठीक है। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट। तो चलिए देखते हैं, ये डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट का जनरल कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, उसको सब्सट्रेट में लिया गया, यानी कि बेस मान लिया गया, ठीक है। उसके ऊपर में दो एन टाइप सेमीकंडक्टर को क्या किया गया, एम्बेडेड किया गया है, ठीक है। एक जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसको ड्रेन माना गया, और दूसरा जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसको सोर्स माना गया, ठीक है। यहाँ पे हम देखने वाली बात ये है कि जो हमारा गेट टर्मिनल है वो डायरेक्ट सब्सट्रेट से कॉन्टैक्ट में नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। ये दोनों के बीच में एक मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड को लिया गया, ठीक है। बीच में एक लेयर है जिसको बोलते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यानी कि मेटल ऑक्साइड है। इसीलिए तो इसको मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं। क्यों? क्योंकि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन मॉस्फेट में गेट टर्मिनल और जो सब्सट्रेट रहता है उसके बीच में एक लेयर होता है, ठीक है। इसके कारण, क्योंकि बीच में एक लेयर का फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि फॉर्मेशन हुआ नहीं है बल्कि ये फिजिकली है, ठीक है। तो चूंकि बीच में एक यहाँ पे लेयर है, इसी के कारण इसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो हाई होता है, ठीक है। यानी कि जो इनपुट इम्पीडेंस होगा वो काफ़ी हाई होगा। इम्पीडेंस कहने का मतलब कह सकते हैं रेजिस्टेंस, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि बीच में एक लेयर बना हुआ है, ठीक है। तो इम्पीडेंस काफ़ी हाई होता है इसका, ओके। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये गेट टर्मिनल है, ये सोर्स, ये ड्रेन, ठीक है, और ये पी सबस्ट्रेट। दो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, और दो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में जो चैनल बना हुआ है उसको बोलते हैं एन चैनल, ठीक है। इसीलिए इसका नाम है एन चैनल डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट। बात समझ में आई? अगर यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर होता, यानी सबस्ट्रेट में अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर होता और दो पी टाइप सेमीकंडक्टर को एम्बेडेड किया गया था और उसका बीच का जो चैनल बनता वो पी चैनल होता, तो उसका नाम क्या होता? पी चैनल डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट। आई होप कि आपको समझ में आया हो, ठीक है। अभी क्या है कि इसका एक और टर्मिनल मॉस्फेट में होता है, वो क्या होता है? सबस्ट्रेट होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग कभी ये बात में कंफ्यूज ना हो कि मॉस्फेट का चार टर्मिनल होता है। क्यों? क्योंकि जो मॉस्फेट का जो सब्सट्रेट होता है वो सोर्स से इंटरनली कनेक्ट होता है, यानी कि जब भी हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे तो सब्सट्रेट और सोर्स को पहले इंटरनली कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इंटरनली कनेक्ट होते हैं, लेकिन इसमें अगर बेसिक अगर पूछा जाए कि टर्मिनल कितना होता है तो हम लोग को तीन ही बोलना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका कुछ ऑपरेशन हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि आखिर ये किस तरह से काम करता है, ओके। ये रहा, हम लोग जनरली जिस तरह से BJT में स्टडी करने के लिए NPN ट्रांजिस्टर लेते हैं, उसी तरह से मोस्टली हम लोग इसमें N चैनल MOSFET को यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसका स्टडी करने के लिए हम लोग इसका इस तरह से कुछ इसको सेट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे जो ये जो ड्रेन है और ये जो सोर्स है, पहले मैंने क्या कहा था कि सोर्स और सबस्ट्रेट को इंटरनली कनेक्ट कर देंगे। तो ये रहा सोर्स, सॉरी ये रहा सोर्स और ये रहा सबस्ट्रेट, ये दोनों को क्या करेंगे? इंटरनली कनेक्ट कर दिए, ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। उसके बाद क्या करना है कि ये जो ड्रेन है और ये जो सोर्स है, ठीक है, ये जो सोर्स है और ये जो ड्रेन है उसको हम लोग क्या करेंगे? एक बाहर से सप्लाई देंगे, ठीक है, ये ड्रेन और ये सोर्स BDS, ठीक है, BDS को हम लोग एक बाहर से सोर्स दिए, ठीक है, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ड्रेन से कनेक्ट है और नेगेटिव टर्मिनल सोर्स से कनेक्ट है, ठीक है। फिर VGS को कनेक्ट करेंगे और VGS को अभी हम लोग इनिशियली 0 वोल्ट रखेंगे, ठीक है। तब क्या होगा देखिए, अभी यहाँ पे इसका ऑपरेशन देखना है कि किस तरह से परफॉर्म करता है, ठीक है। सबसे पहले इनिशियली हम लोग क्या करेंगे? VGS को 0 वोल्ट रखेंगे, यानी कि VGS को अभी 0 वोल्ट में रखे हैं, ठीक है। तो इस समय क्या होगा कि चूंकि यहाँ पे जो हम लोग को VDD दिख रहा है, ये पॉजिटिव कनेक्ट है, ये नेगेटिव कनेक्ट है, यानी कि ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आके क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव से कनेक्ट है, ठीक है। तो इस जगह पे यहाँ पे जो दिख रहा है, इस जगह पे जहाँ पे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आके क्रिएट होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? इस जगह पे नेगेटिव चार्ज आके क्रिएट होगा, इस जगह पे नेगेटिव चार्ज आके क्रिएट होगा, ठीक है। चूंकि ये दोनों के बीच में एन चैनल बना हुआ है, कौन सा चैनल बना हुआ? एन चैनल। और ये क्या है? पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी कि यहाँ पे एन चैनल है तो जरूर यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये चूंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर है ना, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है और बीच में क्या बना हुआ है? चैनल बना हुआ है। तो इसमें ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है कि इसका जो मेजोरिटी चार्ज क्रिएट होगा वो क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है ऑब्वियसली।
तो यहाँ पे अंदर में कह सकते हैं कि इस चैनल के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो अभी हम लोग को एक जनरल सा कंसेप्ट पता है कि नेगेटिव चार्ज रिपेल टू इच अदर एंड मतलब लाइक चार्ज रिपेल टू इच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू इच अदर, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे देखिए नेगेटिव है, तो इस जगह पे भी क्या आके क्रिएट हुआ है, नेगेटिव चार्ज, बहुत सारा नेगेटिव चार्ज आके क्रिएट हुआ है। तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है उसको पुल करेगा, इधर से पुल करेगा, ठीक है। तो इधर से इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट हो गया उधर ड्रेन की ओर, ठीक है। और ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या, कौन सा चार्ज आके क्रिएट होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अभी चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आके क्रिएट हुआ है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, क्यों, क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो अंदर में था उसको अपनी ओर खींचना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि सोर्स टू ड्रेन, ठीक है, सोर्स टू ड्रेन। तो हम लोग को पता है कि जो कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन का जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। तो सिंस इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जो ड्रेन करंट होगा वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये रहा, ठीक है। आईडी इक्वल टू आईएस इक्वल टू आईडीएसएस, ठीक है। अभी चूंकि ये जीरो वोल्ट में कनेक्ट था ना, ये जीरो वोल्ट में यानी वीजीएस जीरो में रखा हुआ था, तो इससे कोई मतलब नहीं था, गेट कोई इफेक्ट नहीं डाला, ठीक है। और जो कॉमन जो इसका परफॉर्मिंग था वो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अभी क्या करना है कि मान लेते हैं कि वीजीएस को अभी हम लोग जीरो वोल्ट से कम सप्लाई देते हैं, यानी जीरो वोल्ट से कम यानी नेगेटिव, तो माइनस वन, ठीक है, माइनस वन वोल्ट देंगे। तो सबसे पहले ये लाइन पढ़ लेते हैं, ठीक है। इफ वी सेट वीजीएस एट नेगेटिव वोल्टेज लाइक माइनस वन वोल्ट, माइनस टू वोल्ट, माइनस थ्री वोल्ट, सो ऑन, देन गेट विल टेंड्स टू प्रेशर ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द पी टाइप सबस्ट्रेट लाइक चार्ज रिपेल एंड अट्रैक्ट होल फ्रॉम पी टाइप सबस्ट्रेट अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि हम लोग अभी वीजीएस को माइनस वन वोल्ट दें, ठीक है, या माइनस टू या माइनस थ्री माइनस फोर कुछ भी ले सकते हैं, सपोज दैट कि माइनस वन वोल्ट दिए, तो अभी माइनस वन वोल्ट दिए वीजीएस को, यानी कि गेट टर्मिनल क्या हो गया, गेट टर्मिनल हो गया नेगेटिव, गेट टर्मिनल अभी क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अभी चूंकि ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, तो इसके अंदर में, इसके अंदर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को, ये इस फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है, क्योंकि लाइक चार्ज रिपेल करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, किधर, तो पी टाइप सबस्ट्रेट की ओर, इसीलिए मैंने लिखा है टुवर्ड्स पी टाइप सबस्ट्रेट, ठीक है। तो पी टाइप सबस्ट्रेट की ओर क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, जब हम लोग नेगेटिव चार्ज मतलब नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तब। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो था ये इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर गया, यानी पी टाइप सबस्ट्रेट की ओर जाना स्टार्ट कर दिया, ठीक। उसी समय एक और चीज़ होता है क्या, चूंकि यहाँ पे अभी गेट टर्मिनल नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो होल है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो होल है उसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये गेट टर्मिनल में जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है नेगेटिव वोल्टेज के कारण, वो क्या करेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रॉन को अपना और खींचना स्टार्ट करेगा, क्यों, क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है। तो क्या करेगा कि पी टाइप का होल जो है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब सोच सकते हो कि इस कंडीशन में चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और सबस्ट्रेट इधर, सबस्ट्रेट का जो होल है वो इधर आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन और होल का क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन होगा यानी कि एन चैनल में जो इलेक्ट्रॉन था, फ्री इलेक्ट्रॉन था, उसका उसका क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन घटता चला जाएगा। सपोज दैट कि मान लेते हैं शुरू में माइनस वन वोल्ट दिए, ठीक है, माइनस वन वोल्ट दिए, तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, रिकम्बाइन हुआ। जब इसका हम लोग मैग्नीट्यूड बढ़ा दिए, यानी कि बढ़ाने का मतलब कि नेगेटिव बढ़ाना है, ठीक है, यानी माइनस वन से माइनस टू दे दिए, माइनस टू वोल्ट हो गया, तो ये और भी ज़्यादा नेगेटिव हो गया, ये और भी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होने के कारण क्या हुआ कि और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो गया, तो और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन होने के कारण क्या हुआ कि और भी ज़्यादा ड्रेन करंट डिक्रीज हो गया, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अगर नंबर अगर डिक्रीज करता है तो ड्रेन करंट भी डिक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि ड्रेन करंट जो है वो तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ही हो रहा है ना। तो इसीलिए लिखा गया है, सो डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ वीजीएस द रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग इसका मैग्नीट्यूड को चेंज करेंगे, यानी कि और ज़्यादा नेगेटिव करते जाएंगे, तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पी टाइप सबस्ट्रेट के साथ उसका जो होल है उसके साथ क्या करेगा, रिकम्बाइन होता चला जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ड्रेन करंट डिक्रीज करता चला जाएगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है, एंड ड्यू टू दिस रिकॉम्बिनेशन ड्रेन करंट विल रिड्यूस, ड्रेन करंट जो होगा वो क्या होगा, घटता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जितना हम लोग इसको वीजीएस को नेगेटिव बनाते जाएंगे, उतना ज़्यादा ड्रेन करंट क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है।
तो ये बात आपको आई होप कि समझ में आया हो। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप फिर से वीडियो को रिप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। अभी फिर क्या है, फिर क्या है कि अभी हम लोग नेगेटिव देख लिए हैं कि नेगेटिव में क्या होगा और जीरो में क्या होगा। जीरो में जो नॉर्मल परफॉर्मिंग था वो हुआ, जब नेगेटिव किए तो कुछ चेंजिंग हुआ। अब इसको अगर पॉजिटिव करते हैं, VGS को क्या करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, ठीक है। VGS को क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। तो VGS को अगर पॉजिटिव करते हैं तो गेट टर्मिनल क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर गेट टर्मिनल में अगर क्रिएट होता है इस जगह पे, तो आप सोच सकते हो क्या होगा, इसके कारण क्या होगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट होता है तो पी टाइप सबस्ट्रेट में पहले ये बताओ कि यहाँ पे क्या है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर तो होल है, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी है ना। तो इसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा, ये खींचेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना, ये गेट टर्मिनल में अभी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, वोल्टेज हम लोग सप्लाई किए हैं पॉजिटिव वोल्टेज, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आके जमा हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आके क्रिएट हो रहा है, इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज आके क्रिएट हो रहा है। तो इसका जो होल में, यानी कि सॉरी, ये जो पी टाइप सबस्ट्रेट है, इसका जो माइनॉरिटी चार्ज कह दिया, यानी कि यहाँ जो कुछ भी थोड़ा मोड़ा एडवांस में जो बचा हुआ था फ्री इलेक्ट्रॉन, उसको क्या करेगा, अपना और खींचेगा। तो अपना और जब खींचेगा तो ये एन चैनल जो था, एन चैनल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसके साथ में और भी फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और भी फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि ड्रेन करंट बढ़ेगा, ठीक है। इसीलिए लिखा गया, इफ यू सेट VGS एट पॉजिटिव लाइक प्लस वन वोल्ट देन ड्रेन करंट विल इंक्रीज। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया हो। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर से बताने के लिए रेडी हूं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, हम लोग देखेंगे इसके बाद क्या कि किस तरह से इसका, यानी कि इसी चीज को जो हम लोग अभी पढ़े हैं, ठीक है, इसको हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, यानी कि ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। लेकिन ये चीज़ आपको जानना बहुत जरूरी था, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चीज़ को अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए और से और